अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, kanwal.com में मैं कंवल एक और वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है क्लिनजिंग करना। क्लिनजिंग मीन्स चेहरे की सफाई करना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन जो होती हैं वो अपने चेहरे को अपने आप पे बहुत कम तवज्जो देती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है उसमें डेड सेल्स की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मैं आपको क्लिनजिंग करने के कुछ आसान नुस्खे घर पे बनाए हुए होम रेमेडीज़ बताऊँगी, जिनसे आप आसानी से अपने चेहरों को क्लेंस कर सकते हैं। हमारी जो स्किन होती है गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी गर्द गुबार से गुजरती है, और जैसे कि रमज़ान भी आ रहे हैं, अगर हम डेली अपनी स्किन केयर करेंगे डेली सिर्फ 30 to 60 seconds, उससे हमारी स्किन जो होगी बहुत ज़्यादा तरोताज़ा रहेगी। हम अपने लिए पूरे दिन में से 30 to 60 seconds तो निकाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं उनको आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं जिस चीज़ को आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी वो चीज़ है बलाई। ये जो बलाई है ये मैंने कैसे निकाली है, ये जो हमारी दूध की जो बलाई होती है ऊपरी सतह पे जम जाती है, ये वो वाली बलाई नहीं है, बल्कि हमारे पतीले में जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो उसकी साइडों में बलाई जो होती है वो बलाई निकाल के मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। आप उसको एज इट इज भी यूज़ कर सकते हैं, या तो चाहे तो इसमें चंद कतरे कोकोनट ऑयल के भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमारी ड्राई स्किन होती है जिन लोगों की, वो ड्राई स्किन जो उनकी होती है वो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बलाई है ये जो साइड से निकलती है वो बहुत थोड़ी होती है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, और दूध में आपको पता है कि बहुत सारे फैट्स और प्रोटीन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। एक तो आप इससे अपनी स्किन को क्लेंस कर सकते हैं। दूसरा आइडिया जो है, जिनकी जो है ड्राई स्किन है वो आपके ड्राई स्किन का मैंने बताया, अब जिनकी ऑयली स्किन है वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑयली स्किन वाले एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा यूज़ करेंगे और कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपके पास एलोवेरा मौजूद नहीं है तो आप जो है मार्केट में एलोवेरा जेल मौजूद है वो भी लेके यूज़ कर सकते हैं विथ रोज़ वाटर। उसके अलावा जिनकी नॉर्मल स्किन है वो एलोवेरा और हनी को मिक्स करके भी अपने चेहरे को क्लेंस कर सकते हैं, या एलोवेरा और ग्लिसरीन को मिक्स करके भी अपने चेहरे को कर सकते हैं क्लेंस। डेली 30 सेकेंड्स सुबह को और 30 सेकेंड बेड में जाने से पहले। और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो जस्ट मिल्क से अपनी स्किन को क्लेंस करें। मिल्क इज़ अ वेरी गुड और वाइटनिंग क्लेंजिंग, और इसके बहुत सारे फ़वायदे हैं आप जानते हैं। अगर इन सब चीज़ों से भी आप लोग उकता गए हो कि नहीं यार ये सब कुछ नहीं करना है, तो बेस्ट इन बेस्ट जो मार्केट में चीज़ आ रही है वो है स्किन वाइट, दिस इज़ अ हनी एंड गोट मिल्क। ये बहुत अच्छा क्लेंजिंग लोशन है। आप इसको जो है ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये ड्राई और ट्रस्टी स्किन, जिनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली भी यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप ज़रूर अप्लाई करोगे और मुझे अपने फीडबैक से अपना फीडबैक बताओगे। थैंक यू वेरी मच।